मैं 0 आवर दे विच जो गल करनी सी, मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन पहला चाहुंदा हाँ कि जो मेरा सवाल सीगा मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी का, वो जेकर मुलतवी हो गया है तो जेकर नैक्सट डे आएगा, नहीं तो मैं 0 आवर दे विच ही अपनी गल कर लेना। वो तुहानू आंसर चला जाएगा जी, उहदा सर साढ़े 0 आवर दे विच नहीं होना, तुहानू आंसर चला जाएगा जी सर जी सर। यस प्लीज लेट हिम कंप्लीट सर जी। मानयोग स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न सीगा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन अमृतसर उसकी मौजूदा स्थिति और बेहतरी के बारे। सर, यह 1932 का कॉलेज है और आज़ादी तो पहला का है, और एक समा हुंदा सी कि नॉर्थ इंडिया दे विच एक बेहतरीन कॉलेजों के विच इहदा स्थान आउंदा सी। आज ये कॉलेज है, देखो 104 प्रोफेसर दे टीचिंग स्टाफ दे सेंक्शनड पोस्ट ने, लेकिन रेगुलर टीचर सिर्फ 19 ने, रेगुलर सिर्फ 19 रह गए ने। 85 टीचर दे विच देखो, जिहड़ा गेस्ट फैकल्टी है वो गेस्ट ही हुंदा है, जो पार्ट टाइम हुंदा है वो पार्ट टाइम हुंदा है, जो विजिटिंग है वो विजिटिंग ही हुंदा है। इस करके हुण अपनी सरकार आम आदमी पार्टी दी आई है, पिछलियां सरकारां ने, मैं स्पष्ट कहना चाहुंदा हाँ कि एजुकेशन माफिया नूं प्रमोट करन वास्ते इस कॉलेज का यह माड़ा हाल किया है। किरण बेदी वर्गे जो कि IPS अफसर रहे ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे ने, वो इस स्कूल दे इस कॉलेज दे प्रोडक्ट रह चुके ने। तो इस करके मेरी बेनती है कि साड़ी सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रही है, तो इसे तरीके दे नाल इस कॉलेज नू कॉलेज ऑफ एमिनेंस बनाया जाए, तो ये लगे कि हाँ अमृतसर दे विच कुड़ियां दी पढ़ाई वास्ते एक वधिया मतलब कॉलेज है, ता जो सेंट स्टीफेंस दिल्ली है, हिंदू कॉलेज दिल्ली है, मिरिंडा हाउस दिल्ली है, उस दी बराबरी साडा एक कॉलेज अमृतसर दा कर सके। दूसरी गल सर, प्रश्न दा ही हिस्सा सी, एक कोई गल होनी है जी सर, छोटी सी गल है, उसे कॉलेज दी ही गल मैं कर रहा हूं, सिर्फ कॉलेज दी गल। एक HEIS कैटेगरी रखी गई सी 2006 दे विच टीचरां दी, HEIS कैटेगरी दे विच जिहड़े टीचर ने साल दे विच 6-7 जां 8 महीना उन्हां तों काम लिया जांदा है, और उन्हां दी तनखाह हुंदी है 17,000 पर मंथ। तुसी देखोगे सर, UGC जिन्हां ने कीती हुई है, नेट पास कीता होया है और PhD कीती हुई है, उन्हां नूं जेकर असी 17,000 रुपया देने हाँ और 7 महीना जां 8 महीना काम लेंदे हाँ, तो वो किस तरह काम करनगे? तो इस करके बेनती है कि जो HEIS कैटेगरी बनाई गई सी, वो सरकार दे किसी पॉलिसी दे तहत बनाई गई सी, तो सरकार ही सरकार उसनू रेगुलेट करे सर, ते उनानू मतलब रेगुलराइज कराया जावे। तुसी बैठो, अपना मंत्री जी ते जवाब देना चाहुंदे जी। यस, ही वांट टू आंसर। धन्यवाद स्पीकर साहब। मानयोग MLA साहब वालों बिल्कुल जिहड़ा एक सही इशू रेज किया गया, मैं इन्हों दस देना चाहता कि संबंधित कॉलेज के मसले के जी इतने 85 असामिया 104 के है, जिन्होंने बिल्कुल दुरुस्त है कि 19 रेगुलर है, बाकी 9 जिहड़े है जी वह 1158 जी नवी भर्ती हुई सी सर। बहुत सैडली सर, एक क्योंकि हायर एडुकेशन मैंने 2 महीने पहला मिलिया, मेरा इंटरस्ट स्कूल एडुकेशन मैं बहुत ज़्यादा किया, पर जिन्ना क मैं समझने की कोशिश की है हायर एडुकेशन नू, पंजाब दी उचेरी सिक्ख्या दा बेड़ा गर्क किया गया। पिछले 20 सालों तो जी साडे कॉलेज खाली पे है, साडे प्रोफेसर्स नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, जिहड़े गेस्ट फैकल्टी ने उन्हां नू बहुत थोड़ी तनखावां ते जिहड़ा काम किया जा रहा। होर सैडली है कि एक भर्ती जिहड़ी लेटेस्ट आई सी 1158 दी, उहदे विच भी इन्नियां कमियां छड्डियां गईयां कि अज हाई कोर्ट दे विच स्ट्रक है। जे अज वो बच्चे साढ़े कोल आ जाते तो अच्छ पंजाब के कॉलेज असी सानू उत्थे हाई कोर्ट लड़ना पै रहा। साड़ी कैबिनेट ने जी लास्ट मीटिंग 650 जड़ियां भर्तियां उदे भी अप्रूवल कर देती है। मैं MLA साहब नूं इंश्योर करांदा, तो बाकी सारे साउथ नूं भी ते पंजाब नूं भी इंश्योर करांदा जी, आ सारे कॉलेज साढ़े लैजेंड सीगे जी, कोई 1930 कोई 1960, पर उस तो बाद उत्थे इट भी नहीं लगी। साडे स्कूलों विच तां इंटरैक्टिव पैनल प्रोजैक्टर आ गए, पर कॉलेज अज उदों दे उदां पए ने, खाली हो गए ने। इट्स अ वेरी सीरीयस इशू सर, ते इनूं असीं आई इनश्योर विद इन 1 ईयर असी अपनी हायर एडुकेशन दे उत्ते बहुत ज़्यादा काम करांगे, ते जो भी अज हालात बहुत माड़े ने, वी आर शॉर्ट ऑफ प्रोफेसर्स एंड वी आर फाइटिंग इट लीगली ऑल्सो एंड वी विल फुलफिल इट सर। प्लस सर, इस कॉलेज नूं साडी सरकार दरम्यान हुण 3 करोड़ की प्रवानगी दे दी गई है सर, 3 करोड़ रुपया फंड मैं भेजे। होर भी MLA साहब आई एन शो यू एनीथिंग
टू बी डन, माई ऑफिस इज ऑलवेज ओपन सर, जरूर आओ।